देखिए आज हम बताएंगे आपको जनरल एंट्री टैली ईआरपी 9 के अंदर कैसे करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा जनरल एंट्री 2, हमने पहला पार्ट बना चुके हैं जनरल एंट्री 1 का, ठीक है। इसके बाद जनरल एंट्री क्या होती है, जनरल एंट्री होता है हमारा रोज का लेखा जोखा, ठीक है। तो जो हमारा जनरल एंट्री है इसके सिर्फ एक दिन का आता है, इसमें सुबह शाम तक का, ठीक है। इसके बाद ये इसका कुछ ज़्यादा इतना वो नहीं होता, लेकिन इसकी एंट्री करनी हमें बहुत ज़रूरी होती है। इसके बाद क्या करेंगे, अब हम आगे हम अपना अकाउंटिंग वाउचर के अंदर यानी कि हमने क्या F7 प्रेस करने का जनरल आ गया। इसमें करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री सबसे पहले, ठीक है। तो हमने व्यापार शुरू किया था कितने रुपए से, 4000 रुपये से, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा कैपिटल होती है हमारी पूंजी, ठीक है। तो हमने 4000 रुपये लिए थे, इसके बाद इसे कर दिया हमने एक्सेप्ट। करने ये होता क्या है, पूंजी जो होती है इसमें धन होता है, ठीक है ना। धन पूंजी एकत्रित किसी से पैसा लिया हो या जो भी हो, तो हमने पूंजी का वो बनाया था कैपिटल, ठीक है ना। तो कैपिटल का हमने एक्सेप्ट कराया। अब इसके बाद करेंगे हम दूसरी एंट्री है हमारी समीर एप से माल खरीदा F9 में। इसके बाद करेंगे हम कंट्रोल वी करने से क्या होगा, ये हमारा नॉर्मल मोड में आ जाएगा। इसके बाद एंटर करके यहाँ से हमने देखो समीर का लेजर बना के रखा था पहले ही, समीर आया, ठीक है ना। समीर कितने रुपए में खरीदा, 2000 रुपये में, यहाँ डाल देंगे हम 2000 रुपये, ठीक है ना। इसके बाद में क्या आएगा, ये हो गया परचेज क्योंकि खरीदा है, ठीक है। एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम F8 में जाएंगे, नगद माल बेच रखा क्योंकि, इसके बाद ये एक्सेप्ट करा दिया हमने समीर का। इसे एक्सेप्ट करने के बाद समीर का लेजर बनाएंगे। अब हम समीर का लेजर क्लियर होगा, इसके बाद करेंगे हम F8 में जाने के बाद यहाँ बनाएंगे हम नगद माल का कैश। नगद माल में जब किसी का नाम नहीं होता तो हम कैश डालते हैं, ठीक है। तो उसमें यहाँ से का हमने 600 रुपये का माल खरीदा था, बेचा है। इसके बाद यहाँ से का बनेगा सेल्स का लेजर, ये हो गया सेल्स SL, ठीक है ना। इसके बाद ये आएगा सेल्स अकाउंट के अंदर एक्सेप्ट, यहाँ इसका नो रहने देंगे, ठीक है। एंटर है, इसके बाद ऑटोमेटिक 600 रुपये आ जाएगा, एक्सेप्ट कराएंगे, ठीक है। ये हमारी तीसरी एंट्री भी क्लियर हो गई। इसके बाद चेक करेंगे हम अगली एंट्री, ठीक है ना। अगली एंट्री किस चीज़ की है हमारी, देखिए अभी हम इसको एक्सेप्ट कराने के बाद, हाँ, तो जितनी भी बेचने की एंट्री होती है वो सेल्स की F8 में होती है, ठीक है ना। इसके बाद होता है हमारा F5 प्रेस किया पेमेंट, यानी कि किसी को पैसा दिया, वेतन दिया हमने, सैलरी, ठीक है। कितने रुपये सैलरी का लेजर बनाएंगे अभी, मैं वेतन दे रखा क्योंकि F5 के अंडर बनाते हैं इसको, ठीक है ना। ये आती है हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आके, ठीक है। कितने रुपये दिया हमने, 8000 रुपये, ठीक है। तो डेबिट 8000 रुपये, क्रेडिट में आ गया, यहाँ से हम डालेंगे कैश दिया या कैसे दिया या किसी बैंक से भी दे सकते हैं, तो 8000 ऑटोमेटिक आ गया यहाँ इसका। हाँ, अब करेंगे एंटर, एक्सेप्ट करा देंगे हम इसे, ठीक है ना। तो इसे एक्सेप्ट कराने के बाद अब दोबारा से फिर करेंगे। इसके बाद हमारी एंट्री है मजदूरी दी, किसी को भी वेजेस के अंदर आएगा, ठीक है ना। तो जो भी पेमेंट होता है वो F5 के अंडर दिया जाता है, ठीक है। जितना भी पेमेंट होगा वो F5 के, तो हम बनाएंगे अभी वेजेस का लेजर WAGSC, ठीक है ना। ये भी हमारा आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी हमारा खर्चा, एक्सपेंस जितना भी होगा वो खर्चा होगा, कितने रुपए, 500 रुपये, ठीक है ना। तो हम यहाँ से का डाल देंगे 500 रुपये डालने के बाद ये कैश दिया हमने ये भी, इसके बाद इसे भी एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद अब हमारा अगली एंट्री जो है वो किस चीज़ की है हमारी, नगद माल खरीदा, ठीक है। तो इसके लिए अब हमारी पेमेंट की एंट्री क्लियर है। तो अगली एंट्री जो हमारी जाएगी वो जाएगी अब हमारी F9 में, ठीक है। तो अब हम प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से ऊपर F9 प्रेस किया, इसके बाद में ये इंटरफेस आ जाता है। इसके बाद में फिर करेंगे कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ इसका फिर से एंट्री करेंगे नगद, ठीक है। तो कैश नगद किया तो कैश करेंगे, ठीक है ना, नगद बेचा हमने, ठीक है। इसके बाद परचेज का लेजर हमारा ऑलरेडी बना हुआ था, 700 रुपये का बेचा, एक्सेप्ट। इसके बाद क्या करेंगे हम अगले एंट्री फिर करेंगे, ठीक है। अगली एंट्री करेंगे अब हमारा है किराया दिया 700 रुपये का, ठीक है। तो किराया किस में देंगे, F5 से देंगे, ठीक है। तो जितनी भी एंट्री यानी किसी से पेमेंट लेना देना है जो भी है उसकी जितनी भी एंट्री होगी वो हमारी F5 के अंडर होती है, ठीक है। तो हमने F5 प्रेस किया। इसके बाद करेंगे हम किराया दिया हमने, क्या किराया क्या होता है, रेंट,
तो ठीक है, रेंट की एंट्री, रेंट की एंट्री होगी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 700 रुपये, 700 यहाँ भी होएगा कैश, कैश के बाद एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद ये हमारी होगी क्लियर। इसके बाद जाएंगे हम गेट ऑफ टैली के ऊपर, ठीक है, यहाँ आ गए, यहाँ करेंगे हम बैलेंस डिस्प्ले के ऊपर जाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे हम ट्रायल बैलेंस, ठीक है। इसके बाद ये हमारा इंटरफेस आ जाता है, इसमें दिखा रहा है 15,900 सबसे नीचे दिखा रहा है, इतना कितना क्रेडिट हुआ कितना डेबिट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसके बाद करेंगे ऑल्ट पी, ये हमारा प्रिंट स्क्रीन आ गया, ठीक है। तो इसे हम थोड़ा जूम करके देखेंगे, ये हमारा टोटल निकल गया का, इस प्रकार का हमारा बिल बुक आएगा बनके। तो हम इस प्रकार से हम अपना ये कर सकते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो हमारी आएगी सेल्स टैक्स या फिर जनरल एंट्री, ओके।